धरमजयगढ़ क्षेत्र में हाथियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना क्षेत्र में कहीं न कहीं हाथियों से घर नुकसानी के साथ फसल नुकसानी की खबर लगातार आ रही है। बता दें, बीते रात आमाग गांव के जंगल से होते हुए एक विशालकाय नर हाथी को पोटिया सागरपुर गांव की ओर जाते देखा गया था, जिसे लेकर प्रभावित ग्रामवासी सकते में हैं। जानकारी के अनुसार आज सुबह सागरपुर गांव के करीब हाथी पहुंच गया और किसानों की लहलहाती फसल को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही आपको बता दें, सागरपुर गांव में किसान के आंगन में रखे धान बोरी को, जिससे किसान द्वारा धान खरीदी केंद्र में बिक्री करने हेतु रखा गया था, हाथी खाकर एवं बिखेर कर पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। हालांकि सूचना पर संबंधित वन कर्मी मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। मौजूदा समय में हाथी को सागरपुर गांव किनारे जंगल में विचरण करते देखा गया है। ऐसे में संभवतः रात में पुनः हाथी आमद की खबर को लेकर क्षेत्रवासी खौफ के साए में है। यहां आपको बता दें, खबर के मुताबिक वन विभाग के आलाधिकारी कर्मचारियों द्वारा हाथी जैसी विकराल समस्या को लेकर फिलहाल अब तक कोई पुख्ता इंतजाम कर पाने में फेल होती नजर आ रही है। इन हालातों में हाथी प्रभावित इलाके के लोगों के लिए हाथी एक बड़ी समस्या बनकर रह गए हैं, जिसका शायद फिलहाल विभाग की ओर से कोई स्थायी विकल्प नजर नहीं आ रहा। बताया जा रहा है, अभी भी सिंगल हाथी सागरपुर एवं पोटिया गांव के बीच गांव से सटे जंगल में विचरण कर रहा है, जिसे लेकर गांववासी खासा चिंतित हैं। शेख आलम, धरमजयगढ़, रायगढ़।